हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं टेक्निकल फिक्स चैनल और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से bitcoin.com वॉलेट को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद किस तरह से उसका एक कंप्लीट सेटअप बना सकते हैं। अगर आप एक बिटकॉइन होल्डर हैं और आपको एक बेहतरीन सा बिटकॉइन का वॉलेट चाहिए तो आप bitcoin.com वॉलेट को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सर्च बार में bitcoin.com को सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर bitcoin.com को अपने ब्राउज़र में सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने bitcoin.com की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से आएगी। आपने जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करना है तो आपने स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वॉलेट का एक ऑप्शन दिया गया है। आपने यहाँ से वॉलेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ से वॉलेट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह सा इस नया पेज ओपन होगा। तो आप यहाँ से गूगल प्ले पर जा सकते हैं। यहाँ से जैसे ही गूगल प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा गूगल प्ले स्टोर पे। तो यहाँ से आपने bitcoin.com वॉलेट को इंस्टॉल कर लेना है। 43 MB की जो फाइल है जो आपके मोबाइल में डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद जैसे ये इंस्टॉल होगा तो फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको अपने मोबाइल में सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वॉलेट है वो हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ से वॉलेट को ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने 3 मरतबा नेस्ट करना है या स्किप करना है। मैं यहाँ से नेस्ट करता हूँ। नेस्ट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू वॉलेट और इंपोर्ट ए वॉलेट। आज हम एक न्यू वॉलेट बनाएंगे तो इसलिए यहाँ से मैं क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ से मैं क्रिएट ए न्यू वॉलेट को ओपन करूँगा तो यहाँ से मेरा वॉलेट तो क्रिएट हो गया है, लेकिन सबसे अहम बात कि हम अब इसके फ्रेज जो हैं वो सेव करेंगे। तो आपने सबसे पहले नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आप देख सकते हैं बैकअप एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने मैनुअल बैकअप पे जाना है। आपने यहाँ से मैनुअल बैकअप ओपन करना है तो यहाँ पर आपके सामने BCH वॉलेट, BTC वॉलेट और Ethereum का वॉलेट आ जाएगा। आपने किसी एक पर भी क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर BTC वॉलेट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जो भी बैकअप है आपने उसे किसी पेपर पर लिखना है, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, किसी पेपर पर लिखना है। मैं फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर यह वॉलेट वीडियो के लिए बना रहा हूं तो इसलिए मैं यहां से अभी इसका स्क्रीनशॉट लूंगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपने किसी पेपर पर इसको लिख लेना है, क्योंकि इस बैकअप के ज़रिए, इस फ्रेज के ज़रिए ही आप अपने bitcoin.com का जो वॉलेट है इसे रिकवर कर सकेंगे और अपने फ़ंड तक आप रसाई हासिल कर सकेंगे। आप यहाँ से QR कोड को भी यहाँ सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ से दोबारा बैक जाता हूँ तो यहाँ से जो BCH का वॉलेट है और जो अगर और Ethereum का जो वॉलेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों वॉलेट सेम वॉलेट हैं, मतलब जो फ्रेज़ हैं वो सेम फ्रेज़ हैं। आप किसी एक पर क्लिक करके इन फ्रेज़ को सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने Ethereum का चेक किया था, अब मैं BCH का चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सेम फ्रेज दोनों के हैं। तो इसलिए मैं यहाँ से भी बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद यहाँ से मैं ऐप प्रेफरेंसेस में जाऊँगा और यहाँ से एड्रेस बुक में आप जाकर ऐड ए कॉन्टैक्ट में जाएंगे और यहाँ से आपने जो भी एड्रेस का नेम लिखना है और एड्रेस पेस्ट करना है यहाँ से सेव हो जाएगा। इसके बाद करेंसीज में जाकर आप यहाँ से कोई भी एक डिफ़ॉल्ट करेंसी जैसे कि USD, पाउंड, यूरो वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं बैक करता हूँ तो यहाँ से नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाएँ, यहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके डिस्प्ले में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट मोड भी है और डार्क मोड भी है, लेकिन यहाँ पर मैं डार्क मोड को रखूँगा क्योंकि ये मुझे बेहतर लगता है। इसके बाद आपने दोबारा बैक जाना है। बैक जाने के बाद ऐप लॉक का भी एक ऑप्शन है, जैसे फिंगरप्रिंट या पासवर्ड वगैरह, आप इस तरह से अपने वॉलेट को लॉक भी कर सकते हैं। प्राइवेसी एंड सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाकर आप इसकी प्राइवेसी एंड सेटिंग वगैरह को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं दोबारा बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद bitcoin.com शेयर वॉलेट का ऑप्शन है, यहाँ से आप शेयर bitcoin.com वॉलेट पे जाएंगे और यहाँ से आप bitcoin.com वॉलेट को किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से वॉलेट के होम पेज पे जाऊँगा। जैसे कि मैं यहाँ से होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BCH वॉलेट है, BTC वॉलेट है और Ethereum का वॉलेट है। अगर आप यहाँ से रिसीव करना चाहते हैं कोई भी क्रिप्टोकरेंसी तो आपने यहाँ से रिसीव बटन पर जाना है और यहाँ से जो भी एसेट होगा जैसे कि BTC या यहाँ से उसके एड्रेस को आपने कॉपी करना है और इस एड्रेस पर अपने बिटकॉइन वगैरह मंगवा लेने हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। अगर सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने सेंड बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जिसको आपने ट्रांसफ़र करने हैं उसका एड्रेस पेश करके यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से स्वाप का भी ऑप्शन है, लेकिन फ़िलहाल मेरे वॉलेट में कोई भी बैलेंस वगैरह नहीं है तो मैं फ़िलहाल यहाँ से स्वाप को कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आएगा।
तो इसके बाद आप यहाँ से मार्केट का ओवरव्यू देख सकते हैं। यहाँ से अपना मार्केट है, आगे आप ओवरव्यू देख जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉलेट की जो भी अपडेट है वो यहाँ पर मिलती रहेंगी, और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी जो हैं उनकी अपडेट भी आपको यहाँ पर न्यूज़ वगैरह यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आप इस तरह से bitcoin.com वॉलेट को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एक कंप्लीट सेटअप बना सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।